गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टेक आउट योर नैतिक शिक्षा बुक एंड पाठ सात नहाना। पाठ का नाम है नहाना। तो आप देखो, यहाँ पर हमें हर रोज़ नहाना चाहिए, बिल्कुल नहाना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहाएंगे नहीं तो हमारे शरीर पर जो कीटाणु होते हैं वो हमें बीमार कर देंगे। और आजकल तो वैसे भी बहुत गर्मी है, और अगर गर्मी में हम नहीं नहाएंगे तो हमारे शरीर पर जितना भी पसीना होता है उससे आपको पता है कीटाणु बन जाते हैं वो, फिर और फिर वो हमें बीमार कर देंगे। और इन दिनों में नहाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। हमें दिन में 2 बार तो नहाना ही चाहिए, और सब कपड़े धुले हुए पहनने चाहिए, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। आप देखो नहाना, ये सबसे पहले यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, कुएं पर नहा रहा है। पहले बहुत समय पहले कुएं होते थे, देखो कितना अच्छा कुआं बना हुआ है ना, कुएं होते थे। और यहाँ पे क्या करते थे, रस्सी बांध के बाल्टी को और कुएं में डाल देते थे, फिर उसको ऊपर खींच लेते थे तो जो पानी बाल्टी में होता था वो ऊपर आ जाता था बाल्टी के साथ, और फिर उसको बाल्टी के पानी के साथ नहाते थे। तो एक तो ये वे है नहाने का, ये बहुत समय पहले का तरीका है। अब बहुत कम कुएं मिलते हैं, और वो भी शायद गांवों में कहीं कहीं मिल जाए। तो एक तो कुएं के पानी से नहा लेते थे, और दूसरा नलके से। आप सबके घर में तो टैप है, आप सब तो टैप वाले वाटर से नहाते हो ना, तो ये है पानी, नल वाले पानी से नहाना। हम आजकल घरों में नल वाले पानी से नहाते हैं, और वो हमारे शरीर को स्वस्थ कर देता है, साफ़ सुथरा कर देता है हमें। और दूसरा है जलाशय में, गांवों में छोटे छोटे तालाब बने होते हैं या छोटी छोटी नदियां होती हैं, छोटी छोटी नहरें, एक बड़ी नहर में से छोटी नहर निकलती है गांव में, उसमें भी नहाते हैं बच्चे, और वो भी साफ़ सुथरा पानी होता हो तो। पहले होता था साफ़ सुथरा पानी, अब भी कहीं जगह पे मिल जाती हैं जिनमें पानी साफ़ सुथरा है और जिसमें बच्चे सुरक्षित तरीके से नहा सकें, तो हमें उसमें नहा सकते हैं। पर अधिकतर घरों में आजकल सब लोग टैप वाले पानी से नहाते हैं, नलके से। और हमें नहाना बहुत ज़रूरी है, नहाने से हम सुरक्षित रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, और हम स्मार्ट भी दिखते हैं। अगर कभी आप नहीं नहा कर आते हो स्कूल में तो मैम को पता चल जाता है ना कि आज ये बच्चा नहा कर नहीं आया। तो हम नहाने से स्मार्ट भी बन जाते हैं, सुंदर दिखते हैं, और सब फिर हमें प्यार से बुलाते हैं और हमें सब प्यार करते हैं। अगर आप नहाओगे नहीं ना तो आपको कोई नहीं बुलाएगा, कोई प्यार नहीं करेगा, और आपके शरीर से स्मेल भी आएगी। तो इसलिए हमें हर रोज़ नहाना है, कुएं वाले पानी से भी नहाते थे पहले, और नलके वाले पानी से, और ये छोटे छोटे तालाब या छोटी छोटी नहर, ठीक है। अब आप सबने हर रोज़ नहाना है और अच्छे से नहाना है। धन्यवाद।